गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स क्लास 3rd चैप्टर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज शेप्स एंड डिजाइंस। नाउ टुडे वी विल सॉल्व सम फार्दर प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम चैप्टर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में हमने मैथ्स क्लास 3rd चैप्टर 5, जिसका नाम शेप्स एंड डिजाइन है, उसके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब आज के वीडियो में हम उससे आगे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है। ओके स्टूडेंट्स, 10 ग्राम। द 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल। जो 10 ग्राम है ओल्ड चाइनीज, पुरानी चाइनीज पजल है। फ्रॉम द पीसेस ऑफ 10 ग्राम वी कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स। इसके पीसेस से हम कई प्रकार के शेप बना सकते हैं, जैसे कि जानवरों के, पीपल आदमियों के, एंड थिंग्स चीजों के। एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन इन दिस फिगर, कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस। दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड द 5 पीस 10 ग्राम। इसमें बताया गया है कि आप इस बुक के एंड में इस प्रकार का एक 10 ग्राम की एक जो शेप है वो आपको दी हुई होगी। आप इसको कट करके निकाल सकते हैं और उसमें से पीस, इस प्रकार से पीसों को कट करके अलग कर सकते हैं। दिस सेट ऑफ 5 पीसेस इज कॉल्ड द 5 पीस 10 ग्राम। इसमें 5 पीस हैं तो इसको 5 पीसेस 10 ग्राम बोला जाता है। यूज दिस 5 पीसेस टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो 5 पीसेज है इनका यूज करके आप ये फॉलोइंग फिगर्स बना सकते हैं। सो ये 5 पीसेज में क्या क्या है, 1, 2 एंड 5 क्या है, ट्राइंगल, 4 पैरेललोग्राम एंड 3 स्क्वायर। सो यहाँ कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर है। इस शेप को बनाने के लिए 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 पैरेललोग्राम एंड 5 ट्राइंगल इसका यूज किया है। ऐसे हमारा ये बन गया है। ऐसे हमने इसमें भी किया है यूज, देख लीजिए। मैंने यहाँ सबके नंबर लिख रखे हैं जो जो हमने इसमें यूज किया है। यहाँ पर ये यूज किए हैं और यहाँ पर ये यूज किए हैं, सभी इस वाले में शेप में आपको मिल जाएंगे। से 2 ट्राइंगल 3 स्क्वायर 4 पैरेललोग्राम 5 ट्राइंगल एंड 1 ट्राइंगल 5 स्मॉल ट्राइंगल 2 स्मॉल ट्राइंगल एंड 1 लार्ज ट्राइंगल। सो आप इनका यूज करके या वीडियो को यहाँ पॉज करके इसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। आपको यहाँ कितने ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं, सो 1, 2 एंड 3। सो द आंसर इज 3। और वो पूछ रहे हैं कि ये सारे बराबर हैं, इक्वल हैं, सो इक्वल नहीं है। 2 एंड 5 और 1 तीनों, ये 2 एंड 5 तो थोड़े बराबर लग रहे हैं, मगर 1 जो है वो बड़ा है। सो द आंसर इज नो। यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द ट्राइंगल सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। इसमें से कौन कौन से स्मॉल ट्राइंगल आप यूज करके फॉलोइंग शेप बना सकते हैं। 2 को ऐसे रख के 5 को ये बन जाएगा, 5 और 2 को ऐसे रख के ये बन जाएगा, 5 और 2 को ऐसे रख के ये बनाएगा। इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए और देखिए। Which 2 pieces of the 10 gram set are exactly same? Find out. 2 और 5 है उसमें exactly same. 2 and 5. Take this 4 and 5 on the set and find out on which side of the triangle you can join the other piece. 4 और 5 जो shape है इनको आपने लेना है और देखना है कि इसमें से कौन सा साइड जो ट्राइंगल का ज्वाइन हो सकता है, ये वाला साइड ज्वाइन हो सकता है। ये देखो, ये करके भी दिखा रहा है हमको। सो अलोंग विथ 5, जो 5 के साथ है, अलोंग विथ 5, 4 का जो साइड है वो अलोंग विथ 5 जो 5 के साथ है वो इसमें जॉइंट हो जाएगा। फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। इनकी मैचिंग साइड बतानी है जो आपस में ये मैच हो रही है और ये मिलकर इसमें कोई भी गैप नहीं बनेगा। तो पीस 1 एंड 2 लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1। पीस 2 की जो बड़ी साइड है और स्मॉलर 1 की जो छोटी साइड है, मिल जाएंगे तो ये मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, पीस 2 एंड 4 स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2 विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 4। पीस 2 की स्मॉलर साइड और पीस 4 की स्मॉलर साइड, ये आपस में मिल जाएंगे तो इनमें कोई गैप नहीं बचेगा। और लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2 विथ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 4, सॉरी यहां पर आप इसको देख लीजिए। पीस 1 एंड 5 लॉन्गेस्ट साइड ऑफ पीस 5, पीस 5 की सबसे बड़ी साइड विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 1, पीस 1 की उससे छोटी साइड, छोटी से थोड़ी बड़ी। पीस 2 एंड 5 लॉन्गर साइड ऑफ पीस 2, जो सबसे ज्यादा बड़ी है उससे छोटी साइड
विथ लॉन्गर साइड ऑफ पीस 5, पीस 5 की लॉन्गर साइड और पीस 2 की लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड ऑफ पीस 2, पीस 2 की स्मॉलर साइड विथ स्मॉलर साइड ऑफ पीस 5। आप इसको देखकर इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। द 7 पीस 10 ग्राम, हियर इज द पिक्चर ऑफ ए 7 पीस 10, इसमें 5 पीस 10 ग्राम था, इस पिक्चर में 7 पीस 10 ग्राम हो गया है। यू कैन कट आउट दिस पीसेस एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। जैसे आपने ये 5 पीसेस के कट करके ये शेप बनाई है, वैसे 7 पीसेस के कट करके आपको इसमें शेप बनानी है। इसमें देख लीजिए, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल, जिसमें कि वह 5 सबसे छोटा है, 3 और 1 और 7, 6 और 7 थोड़े बड़े दिख रहे हैं, और 4 क्या है, 4 को ध्यान से देखिए स्क्वायर, और 5 पैरेललोग्राम, सॉरी 2 पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, ट्राई मेकिंग दीज शेप्स। अब इनका यूज करके आपने ये शेप्स बनानी है, तो मैंने यहां पर ये बना रखे हैं, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रायंगल, 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 सेम ऐसे ही ये मैंने आपके हेल्प के लिए इसमें ड्रॉ कर रखे हैं कि हमने किस किस को यूज करके ये बनाया है। इसको देखिए और वीडियो को यहां पर पॉज करके आप इसकी हेल्प से इनका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, वेविंग पैटर्न। गोलू एंड बिनू वेंट टू मार्केट विद देयर आंट, दे सॉ मैनी रग्स। जो गोलू एंड बिनू है वो मार्केट गए हैं अपनी आंटी चाची जी के साथ, उन्होंने बहुत सारी वहां क्या देखी है, दरीज, दरीज में वो क्या देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, वाव सो मेनी कलर, सो बोले यहाँ वाव बहुत ही सुंदर है, कितने सारे इसमें कलर है, रंग है, सो मेनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, सी द पैटर्न। वो बोले पैटर्न में देखो इसमें कितने सारे शेप्स हैं, सर्कल्स भी हैं, ट्रायंगल्स भी हैं, और सीधा पैटर्न, पैटर्न को देखो, सर्कल क्या होता है, गोल सर्कल आपको बता रखा है, और ट्रायंगल जिसके 3 साइड होते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगल्स होता है। तो वो बोले इसमें बहुत से सर्कल्स हैं और बहुत से ट्रायंगल हैं, तो आप इसको देखिए। विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कौन कौन से देख रहे हैं आप इसमें स्क्वायर्स हैं, सर्कल्स हैं, और ट्रायंगल्स और हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन जिसके 6 साइड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें देखिए 6 साइड है, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागन बोलते हैं, तो यहाँ क्या है, 6 साइड। इज एनी शेप रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। इसमें कोई शेप है जो बार बार रिपीट हो रही है, देखिए सर्कल बार बार रिपीट हो रहे हैं, और स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स हैं, ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो द आंसर इज स्क्वायर्स एंड सर्कल्स। आर द शेप मेड ऑफ कर्व लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट। यहां पर बोल रहे हैं कि ये क्या बिल्कुल सीधी लाइन से बने हैं, या टेढ़ी मेढ़ी गोल राउंड से बने, या दोनों से बने हैं। सो इसका आंसर होगा ये दोनों से बने हैं, क्योंकि यहाँ सीधी लाइन भी है और टेढ़ी लाइन भी है, कोई सेपरेट नहीं है, सो द आंसर इज थर्ड, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन्स। नेक्स्ट, लुक एट योर क्लॉथ, योर मदर्स साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। यहाँ बोला है कि आपने क्लॉथ को देखिए, अपनी मम्मी की साड़ी को देखिए, शॉल को देखिए, दरी को देखिए, मैट को देखिए, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, क्या तुम उसमें कुछ पैटर्न जो दिया है, कुछ डिजाइन जो दिए हैं, जो एक तरीका दिया है, उसको आइडेंटिफाई, क्या उसको ढूंढ सकते हैं, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, और उसको अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करिए। नेक्स्ट, फ्लोर पैटर्न, यहां दिया फ्लोर पैटर्न, जो फ्लोर का पैटर्न होता है, फर्श का। सो हैव यू एवर सीन ए फ्लोर विच हैज डिजाइन, आपने कोई फ्लोर देखा इसमें टाइल्स लगी रहती हैं, और टाइल्स में जो पैटर्न दिया होता है, टाइल्स के बिना भी जो फ्लोर होता है उसमें भी कोई पैटर्न्स, डिजाइन जैसे बने होते हैं। डू यू नो हाउ दिस डिजाइन आर मेड, आप जानते हैं कि डिजाइन कैसे बनते हैं, डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कम्प्लीटली विथ स्मॉल टाइल्स। ये क्या करते हैं, स्मॉल टाइल्स जो होते हैं उससे बनाए जाते हैं, और पूरे फ्लोर को कवर कर लेते हैं, दैट फिट इन टू ईच अदर विदाउट एनी गैप, ये एक दूसरे में, एक दूसरे को बिल्कुल इस प्रकार से फिट होते हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स, ये शेप देखिए और सोचिए कि ये कैसे फिट हो सकती है, यहां पर है, इसको सीधा लगाएंगे तो एक गैप भर जाएगा, इसको यहां लगाएंगे ये गैप भर जाएगा, इस प्रकार से पैटर्न इसका चलता रहेगा। नाउ लुक एट दिस टाइल्स विद 6 साइड, ये टाइल्स होगी 6 साइड वाली, तो 6 साइड वाले क्या होता है, हेक्सागन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बताया, हेक्सागन, हेक्सागन वाली होगी। सी हाउ टाइल्स ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कम्प्लीटली विदाउट एनी गैप्स, ये आप देखिए कि किस प्रकार से पैटर्न, इससे ये टाइल्स लगाई गई है और ये कैसे कवर कर रही है, जिससे कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है और कोई भी इसमें गैप नहीं हो रहा है, इस प्रकार से टाइल्स के डिजाइन बनाए जाते हैं। एमंग द फॉलोइंग कैन यू मैच द टाइल्स विद द डिजाइन दैट दे विल मेक ऑन द फ्लोर, ड्रॉ लाइन्स टू मैच। यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फर्श दे रखे हैं, फ्लोर दे रखे हैं, और उनके ये
जो डिजाइन इसमें है इनके अलग अलग, इनमें आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, फोर यहाँ पर फ्लोर दे रखे हैं और फोर टाइल्स का शेप दे रखा है। आपने मैच करना है कि किससे कौन सा शेप मिलता है, जैसे कि इस फ्लोर का शेप कौन से टाइल से मिल रहा है, इससे। ऐसे मैंने ये कर रखे हैं, तो आप इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे आप। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओवन टाइल्स एंड यूज देम टू मेक योर ओवन टाइलिंग पैटर्न्स। यू विल फाइंड सम सच टाइल्स एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट ट्रेस एंड कलर। इसमें बोला गया है कि आप इसको अपने आप भी कर सकते हैं, आपको लास्ट में टाइल्स नहीं है, इनको कटआउट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और उसको कलर कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न, यहाँ पर टाइलिंग पैटर्न, यहाँ पर ये आधा आपको ड्रॉ करा हुआ मिला है, आपने इसी पैटर्न को आगे सेम इसी में ड्रॉ करना है, तो इसको आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑफ ऑन पेज 70 व्हिच आल्सो यूजेस सिक्स साइडेड शेप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इस पैटर्न को भी आपने कंप्लीट करना है और पीछे आपने देखना है जो पेज नंबर 70 पे दिया गया है जिसमें सिक्स साइडेड शेप है, ये वाला सेम, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये आपने बताने हैं। खुशबू एंड हरीज लाइव इन आगरा, खुशबू और हरीज जो है आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, एक दिनों ताजमहल देखने के, द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो। इसमें फ्लोर का जो पैटर्न था वो इस प्रकार था, तो इसमें खुशबू बोलती है आई कैन सी टू डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न, मैं इसमें दो अलग अलग प्रकार के क्या देख रही हूँ, टाइल्स के पैटर्न देख रही हूँ। आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज बीन यूज्ड, और हरीज क्या बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि केवल एक ही प्रकार के टाइल है, तो इसमें दो है या एक है, देखिए अपनी साइड देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर क्या है, टाइल्स एक ही है, दो प्रकार की नहीं है, एक ही है, बट एक बार वर्टिकल है और एक बार हॉरिजेंटल है, जो यहाँ पर इस प्रकार है, ये क्या है हॉरिजेंटल और ये ऊपर की तरफ वर्टिकल, जो तिरछी हॉरिजेंटल और जो ऊपर की तरफ वो वर्टिकल। सो इसमें राइट कौन है, हरीज राइट है, एक ही प्रकार की है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, इस तरह से इसके बारे में डिस्कस करिए। नेक्स्ट, टैलिंग टाइम, द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल, इस प्रकार की टाइल है, ये पैटर्न आपको दे रखा है। इज दिस पैटर्न थ्री कलर हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स, ये दे रखे हैं आपको, ये देखना है। बाय यूजिंग टू कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्लू एंड येलो फ्लावर्स, यहाँ पर ये अलग पैटर्न से बना है, यहाँ अलग अलग पैटर्न से बना है और टू कलर्स इसमें यूज हैं, इसमें भी टू कलर्स यूज हैं, मगर डिजाइन अलग अलग हैं। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओवन पैटर्न, अपने आप कलर करके आपने कोई पैटर्न इसमें बनाना है। आई हैव सीन ए मिठाई स्वीट ऑफ दिस शेप, अभी कैसा लग रहा है इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि मेरे को लग रहा है कि जैसे ये मिठाई है। हैव यू सीन एनी शेप इन एनी अदर डिजाइन ऑन ए वॉल, अ ड्रेस, ऑन ए बास्केट, अ मैट एक्सेट्रा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने इस प्रकार के, यू सीन दिस शेप इन एनी अदर डिजाइन, आपने कोई अदर डिजाइन इस शेप में देखी है, किसी में वॉल पे, किसी दीवार में, ए ड्रेस किसी की उसमें, ड्रेस क्या बोलते हैं, कपड़ों में, ऑन ए बास्केट टोकरी में, ए मैट चटाई में। सो आपने अगर देखे तो ये बताइए, अगर नहीं देखी तो वो बताइए आप। नेक्स्ट क्या है, ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट ये आपको एक पजल टाइप का है, ये पिक्चर है, इसमें आपको ये सारे क्लूज दे रखे हैं, इनको आपने रीड करना है और रीड करके ये जो ट्रेजर है यहाँ कहीं, उस ट्रेजर को इस जो गर्ल से इसको लेने में इसकी हेल्प करनी है। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, इफ द वीडियो इज यूजफुल टू यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you.